आईएएस और पीसीएस के एग्जाम के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाइए। करंट अफेयर्स की सीरीज हम यहां पर आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स आपको देखा जाए तो एक वार्षिकांक सीरीज है, जिसके माध्यम से हम एक साल के करंट अफेयर्स को यहां पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें 2022 के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2023 के करंट अफेयर्स को भी इसमें रखा जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेशन के लिहाज से इस चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा करंट अफेयर्स आ जाता है। लेकिन समस्या यह है कि जब हमारा रिवीजन का टाइम आता है, परीक्षा से जस्ट पहले आता है, हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, 40 दिन अगर बचे हैं, तो वहां पे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये करंट अफेयर्स में काफी सारा क्वेश्चन, एक डाउटफुल चीजें हमेशा बनी रहती हैं। यहाँ पे 100% श्योरिटी तो एग्जाम को अगर हम देखें तो नहीं दे सकते हैं कि हाँ यही सारी चीजें यहाँ पर आएंगी या कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों का यहाँ पर विश्लेषण कर लें तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके क्वेश्चन किस टॉपिक्स को लेकर के ज्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड चीजें के लेकर क्वेश्चन पूछे गए। तो हमने इसी को ध्यान में रखकर इस करंट अफेयर्स की सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर एक वार्षिकांक सीरीज लेकर आई जाएगी। इसमें हम स्टार्ट यहाँ पर पर्यावरण से कर रहे हैं। पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर आने वाले टॉपिक्स में हम अलग अलग विषय को लेकर यहाँ पर डिस्कस करें। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है एनवायरमेंट को लेकर है। एनवायरमेंट में पिछले एक साल में कौन सी प्रमुख घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हुए हैं, कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर एज अ क्वेश्चन बन सकते हैं, किन किन कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका क्या हो सकता है और इन टॉपिक्स को पढ़ने का क्या तरीका होगा। देखा जाए तो करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हमेशा रखिएगा। एक करंट अफेयर्स को लेकर के जो बेसिक कह सकते हैं जिसके कारण वो चर्चा का विषय रहा है टॉपिक, और दूसरा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अन्य जो चीजें आती हैं जो कि आपने जीएस के अंतर्गत ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो जैसे कोई प्रमुख संगठन हो गए, उनके कोई कॉन्सेप्ट हो गए जो कि आपने ऑलरेडी जीएस में पढ़ रखा है, लेकिन किसी कारण से वो चर्चा में आया, चर्चा में आने के कुछ रीजन हो सकते हैं, रीजन क्या है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। लाइक कोई नया सम्मेलन हुआ होगा, कहाँ पर हुआ है तो वो एक उसके कारण वो चर्चा में रहा है। कोई संगठन, क्योंकि जिस सम्मेलन का वहाँ पे आयोजन हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं। सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी यहाँ पे बनाई जा सकती है, कोई रिपोर्ट या सूचकांक यहाँ पर आ गई हो, ठीक है, या फिर कोई कोई प्रजाति यहाँ पर खोज ली गई हो, कोई नई चीजों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया हो, तो इस तरह से चीजें क्या होती हैं, चर्चा का विषय बन जाती हैं। हमें यहाँ पर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ना है कि क्या आया है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या हमारे जीएस से रिलेट करता है और क्या हमने यहाँ पर जीएस में पढ़ रखा है, उसको हम करंट के साथ यहाँ पर रिलेट करके पढ़ेंगे। एक कह सकते हैं ना इंटर रिलेट करके पढ़ना। खासकर देखा जाए यूपीएससी में आपको इंटर रिलेट करके क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जबकि यूपीपीएससी में अगर हम देखें तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछते हैं। इसलिए दोनों चीजों को समाहित करके हमने यहाँ पर इस सीरीज को बनाया है और हम यहाँ पर इसी तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ करके करंट अफेयर्स के यहाँ पर पूरी श्रृंखला, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को लेकर एक एक टॉपिक लेकर आएंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, विभिन्न टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कशन के साथ साथ वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। काम बस आपका ये है कि वीडियो को पूरा देखना है और उसके साथ साथ इसका रिविजन भी करना है, क्योंकि यहाँ पर रिविजन बहुत मस्ट है। एक बार तो मेरे साथ आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें ताकि यहाँ पर इसका रिविजन हो जाए। करंट का जितना ज्यादा रिविजन करके जाओगे उतना ही यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ जो टॉपिक आपको देखा जाए कि करंट के साथ इंटरलेट करके रहेंगे, उनको भी यहाँ पर जीएस में भी एक बार रिवीजन कर लेना कि कौन सा टॉपिक यहाँ पर करंट में आया, तो उन जीएस के टॉपिक्स को भी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उनके आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। देखिए पहला टॉपिक यहाँ पर है, एक रिपोर्ट आई है जिसे आईपीसीसी की यहाँ पर ये 6वीं रिपोर्ट जारी की गई है और इसके कारण यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में है क्या। तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है आईपीसीसी ने यहाँ पर अपनी 6वीं आकलन रिपोर्ट जिसे AR6 नाम दिया गया है का यहाँ पर 3रा भाग जारी कर दिया है। इस भाग में यह रिपोर्ट का जो शीर्षक है, ध्यान रखिए कई बार शीर्षक पूछ लिए जाते हैं, थीम पूछ ली जाती है, तो शीर्षक है जलवायु परिवर्तन 2022 जलवायु परिवर्तन का शमन, ये यहाँ पर आपका शीर्षक है इस AR6 रिपोर्ट का। इस AR6 रिपोर्ट में देखा जाए तो क्या क्या यहाँ पर बातें रखी गई हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 चीजों को लेकर जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो कुछ समन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एक है वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे सीमित रखने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, दूसरे यहाँ पर वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड सीमित करने के संदर्भित यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले देख लेते हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरण को 2025 तक सीमित करना, टारगेट देखिए रखा गया है 2025 तक, और ये भी कहा गया है कि 2030 तक इसमें हमें 43% की यहाँ पर कमी करनी है, 43% की हमें यहाँ पर कमी लेकर आनी है। ठीक है, इसमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो भी हमें यहाँ पे हासिल करना है, और तीसरा 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में हमें 34% की कमी रखनी है। कई बार क्वेश्चन में इस तरह के फैक्ट आपको जरूर पूछ लिए जाते हैं, जिनको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बात करते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड के संदर्भ में क्या है। तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना, 2030 तक इसके उत्सर्जन में 27% की कमी करने के लक्ष्य बताए गए हैं। दूसरा, 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक निवल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लक्ष्य हमें यहां पर हासिल करना होगा। तो वैरी करता हुआ दिखाई देता है, थोड़े से लक्ष्य जो है टाइम ड्यूरेशन जो है इसमें ज्यादा बताया गया है, क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के संदर्भ में और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के संदर्भ में हमें ज्यादा बेहतर प्रयास करने होंगे और यहां पर कम समय में इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, उपर्युक्त दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ पॉइंट और भी यहां पर रिपोर्ट में बताए गए, जैसे कि 2030, 2040 और 2050 के दौरान सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी तथा महत्वपूर्ण यहां पर कमी करना यहां पर जरूरी है, अर्थात लगातार आपको इसके संदर्भ में प्रयास करते रहने होंगे, और निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद नकारात्मक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर हमें यहां पर बढ़ना होगा तथा धीरे धीरे यहां पर इसको कम करना है और नकारात्मक स्तर तक लेकर जाना है। तो IPCC की AR6 जो रिपोर्ट है इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तीसरा भाग है, थीम ध्यान रखिएगा और इसके लक्ष्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही से पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एक पॉइंट यहां पर है, दूसरे यहां पर टॉपिक है महासागरीय अम्लीकरण और आर्कटिक हिम को लेकर यहां पर एक थोड़ा सा डायनेमिक यहां पर डेवलप हुए हैं। लगातार आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का एक जो प्रभाव पड़ा है वो महासागरीय स्तरों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो यहां पर देखिए अम्लीकरण की एक स्थिति यहां पर आपको टॉपिक आया है, जिसमें कहा गया कि शोधकर्ताओं के एक दल ने कहा कि आर्कटिक जो महासागर है उसके पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम देखें तो रासायनिक जो संगठन वो लगातार बदला है, और इसके कारण जो महासागर के जल की कह सकते हैं तुलना में आर्कटिक महासागर में जो अम्लता का स्तर है वो आपको 3 से 4 गुना तीव्र गति से यहाँ पे वृद्धि होता हुआ दिखाई देता है। तो महासागरीय जो जल है वो अम्लीय होता जा रहा है, वो लगातार यहाँ पर अम्लीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिली है। और इसका कारण क्या है तो देखा जाए, इसमें कहा गया है कि महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य है दीर्घ अवधि में अर्थात लंबे टाइम पे समुद्र के पीएच मान में लगातार कमी का होना। ठीक है, देखिए पीएच मान जो होता है यहाँ पर उदासीन है, आपको अगर देखा जाए 7 है, 7 से कम होगा तो आपको अम्ली हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। इसके साथ साथ इसका मुख्य कारण क्या है महासागरों में अम्लीकरण को लेकर के, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण एक बड़ा रीजन ये होता है, और दूसरा महासागरीय अम्लीकरण के संभावित जो दुष्प्रभाव है वहां पर आपको ये भी एक बड़ी चीजें हैं जिसके कारण आपको देखा जाए महासागरी जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको यहाँ पर जैसे जो जैव विविधता है वो तेजी से यहाँ पर नष्ट हो जाने के खतरा यहाँ पर बनेगा, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे प्रतिकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैविक विविधता को यहाँ पर आपको हानि हो सकती है, जलीय जीवों का यहाँ पर नष्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ जो रासायनिक जो संगठन है जल का वो यहाँ पर तेजी से बदल सकता है। तो इसके कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चीजें हैं इनको ध्यान रखना है, महासागरीय अम्लीकरण की जो प्रवृत्ति यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कई सारी चीजों को लेकर एक यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है कि 1800 दशक के अंत में अम्लता को कम हो गई थी, जिसमें यहाँ पर आपको पीएच मान देखा जाए तो आपको करीब 8 से ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 2100 में अनुमानित जो अम्लता में वृद्धि की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है वो देखा जाए तो समुद्री जो पीएच है वो 8 से नीचे और धीरे धीरे 7 की ओर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और इसमें देखिए इसका कारण यहाँ पे क्या है तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतर सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर बढ़ना, कार्बोनिक इसके कारण अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब क्योंकि घुलन की स्थिति अगर जल में यहाँ पर बढ़ती है तो उसके कारण देखिए तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो मुक्त हो जाएंगे, साथ ही साथ निम्नतर कार्बोनेटेड आयन के कारण आपको देखा जाए तो बाई कार्बोनेटेड निर्माण होंगे, और कम और छोटे समुद्री जो होते हैं कैल्सीफाइज यहाँ पर होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स को ध्यान रखिएगा, महासागरीय अम्लता की स्थिति इसका एक बड़ा और प्रमुख कारण होता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की एक स्थिति। तीसरा देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है आर्कटिक प्रवर्धन को लेकर के। ठीक है, आर्कटिक प्रवर्धन या आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को लेकर के यहाँ पे जो चर्चा का कारण है ये कहा गया है कि आर्कटिक प्रवर्धन के कारण जो आर्कटिक का क्षेत्र है वो शेष दुनिया से यहाँ पर 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। ठीक है, अर्थात अगर हम तुलनात्मक तौर पर ये कहें कि आर्कटिक क्षेत्र ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है बजाय अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, और कितने गुना, करीब 4 गुना तेजी से वृद्धि हो रही है।
इसके देखिए कुछ रीजन से हैं और उसके कुछ प्रभावों को भी ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो क्या डेवलपमेंट होती है। तो पहली चीज देखिए, आर्कटिक में निम्न अक्षांशों के सापेक्ष सतह के निकट वायु के तापमान में वृद्धि को ही हम यहाँ पे कहते हैं आर्कटिक प्रवर्धन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आर्कटिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि निम्न अक्षांशों के सापेक्ष सतह के निकट के वायु के तापमान में वृद्धि की स्थिति, और तापमान में वृद्धि को आर्कटिक प्रवर्धन यहाँ पे कहते हैं, जिसमें वैश्विक तापन देखा जाए तो आइस अल्बिडो होते हैं, लैप्स रेट फीडबैक है, जल वाष्प फीडबैक है, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट है, ये सब देखा जाए तो आर्कटिक आपके प्रवर्धन के प्राथमिक कारणों में से एक देखे जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति यहाँ पर डेवलप होती है तो इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे होगा क्या, इस क्षेत्र के जीवों के विशेष रूप से ध्रुवीय भालू हो गए, व्हेल हो गए, सील हो गए, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वहां पर वो निम्न तापमान में रहने के आदी हैं, और जैसे जैसे वहां पे तापमान बढ़ेगा उन क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव हैं उन पर यहाँ पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे नए समुद्री व्यापार मार्ग लेकिन खुल जाएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के और अधिक दोहन को यहाँ पे सुगम बना देता है। तो ये स्थिति आपको आर्कटिक प्रवर्धन की स्थिति के कारण था, जब भी ये चीजें जिस तरीके से डेवलप हो रही है आर्कटिक क्षेत्र लोगों के व्यापारिक दृष्टिकोण से तो खुल जाएगा लेकिन वहां पर रहने वाले जीवों के लिए एक समस्या खड़ी करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आर्कटिक प्रवर्धन की एक स्थिति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुमंडल में अत्यधिक यहाँ पर एयरसोल के कारण अधिक धुंध और बादल बनती है, जिससे ऊपरी वायुमंडल विकिरण की ओर यहाँ पर देखा जाए तो निचले वायुमंडल की अपेक्षा ज्यादा तेजी से आपको जो होता है ऊपरी जो वायुमंडल द्वारा विकिरण के माध्यम से जो निचला वायुमंडल है वो यहाँ पर आपको गर्म होने लगता है। इसके साथ साथ अगर महासागरी हम स्तरीय स्तरों पर इसे देखें तो यहाँ पर देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री हिमालय जो है और जो बर्फ होते हैं वो लगातार पिघलते रहते हैं, और उसके कारण देखा जाए तो महासागर में एक जीव तीव्र जैविक गतिविधि यहाँ पर बढ़ेगी, कम परावर्तन इससे होगा और उसके कारण अवशोषण की स्थिति यहाँ पर महासागरों में बढ़ेगी। उसके कारण देखा जाए तो ऊपरी जो महासागरी जो सतह होती है वो लगातार आपको गर्म होती रहेगी, उससे अधिक ऊर्जा का प्रवाह होगा, और अंततः देखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर वायु के तापमान में वृद्धि होगी, और जब पृथ्वी की सतह पर वायु के तापमान में वृद्धि होगी तो वहां पर आर्कटिक प्रवर्धन जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीजें यहाँ पर एक आर्कटिक प्रवर्धन के कॉन्सेप्ट हैं। देखिए कई बार जो होता है कि एग्जाम में थोड़े से नए कॉन्सेप्ट को लगातार क्वेश्चन के रूप में पूछा है, तो कुछ नई चीजें डेवलपमेंट हुई है उसको यहाँ पर जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे देखिए UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं COP27 का यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन से संबंधित देखिए यहाँ पे कई बार जो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा सम्मेलन था और कहाँ पे हुआ, तो COP27 देखिए 19 किस संस्था के द्वारा आयोजित होता है, तो UNFCCC COP27 का जो आयोजन इस बार हुआ मिस्र देश में, मिस्र के यहाँ पर देखिए शर्म अल शेख में यहाँ पर आपको संपन्न हुआ। अब यहाँ पर इस सम्मेलन में जब भी चीजें होती हैं तो यहाँ पर कुछ लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण इस तरह की चीजें गतिविधियां होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो मिश्र में आपका COP27 का कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ, वहां पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, पहला है कि परिवर्तनकारी अनुकूलन को एजेंडे को अपनाया गया है, दूसरा केवल संकल्प के बजाय बड़े पैमाने पर तथा समयबद्ध कार्यान्वयन को अपनाया जाए, सिर्फ बातें नहीं करनी है बल्कि क्रिया को करना है, हानि और क्षति के लिए स्पष्ट समर्थन व कार्यवाही करने की आवश्यकता है, कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल के विकास के आधार पर एक प्रतिबंध और जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ प्रतिबद्धताओं संकल्पों को पीछे हटने से बचना, विकासशील देशों के जलवायु वित्त जुटाना, वित्त उपलब्ध कराना और उचित वितरण करना, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो COP27 के यहाँ पे लक्ष्यों के रूप में निर्धारित की गई। अब इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू है कि यहाँ पर कई बार आपको ऐसे संगठनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट का जो चर्चा का विषय है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने देख लिया, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं UNFCCC के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर UNFCCC का जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। इनकी उत्पत्ति जो होती है 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुई और 1994 में इसे अपना लिया गया। इसके बाद इसका जो उद्देश्य यहाँ पर है, पहला है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को उस स्तर पर स्थित करना जो जलवायु प्रणाली को अगर हम देखें तो खतरनाक मानव जीवन के सापेक्ष यहाँ पर एक तरीके से हस्तक्षेप को रोक सके, और ऐसी समय सीमा के भीतर इसे लेकर आया जाए ताकि परिस्थिति तंत्र जलवायु परिवर्तन के स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने के समय पर्याप्त यहाँ पर समय मिल सके। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो मानव के अनुकूल परिस्थिति तंत्र को बनाए रखना है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट को यहाँ पर बढ़ने से रोकना है। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादन को यहाँ पर आपको खतरा ना हो, कि सभी के लिए फूड सप्लाई लगातार बनी रहे, उसके उत्पादन का स्तर लगातार अच्छा रहे और आर्थिक विकास को स्थायी रूप से हम आगे बढ़ाने में भी सक्षम रहे।
तो देखा जाए तो इकोनॉमिकल पर्पस है, फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर सभी को उपलब्ध कराना, ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। सदस्यता देखें तो इसका यहाँ पर 198 यहाँ पर सदस्य हैं इसके, और भारत भी देखा जाए तो इसका एक सदस्य है। इसके साथ साथ इस कन्वेंशन के तहत स्थापित प्रमुख समझौतों में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते, ये दो प्रमुख जो हम पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से, पेरिस और क्योटो, ये दोनों ही यहाँ पर देखें तो UNFCCC के अंतर्गत यहाँ पर साइन हुए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर UNFCCC का परिचालन जो तंत्र है वो यहाँ पर आपको तीन एस्पेक्ट इसमें देखे जा सकते हैं। पहला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम COP कहते हैं, यह UNFCCC का शीर्ष निर्णय निर्माणकारी इकाई होता है, ठीक है। इस कन्वेंशन के सभी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व COP में है और सामान्यतः इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है और जब तक कि COP द्वारा इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो COP का ये सबसे कहते हैं प्रमुख निकाय, निर्णय करने वाला निकाय, और प्रतिवर्ष यहां पर बैठक। दूसरा क्यों COP क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक, जिसे हम CMP के रूप में यहां पर जानते हैं, इनको देखें इनका क्या काम है, क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करना, क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार सभी देशों को प्रतिनिधित्व और गैर पक्षकार देश में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। और तीसरा इसमें अगर देखा जाए तो CMA है जो COP पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करता है। यह पेरिस समझौते कार्यान्वयन की निगरानी, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेता है। CMA में पेरिस समझौते के पक्षकार सभी देशों का प्रतिनिधित्व आपको करते हुए दिखाई देंगे और गैर पक्षकार देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जब भी आप इस तरीके के टॉपिक पढ़ें करंट के कारण, तो जब भी इससे कोई संगठन जुड़ा हुआ हो, GS का कोई चीजें हैं, तो वहां पर हमें एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगला एक करंट एस्पेक्ट को। देखिए भारत की दीर्घकालीन निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति, लगातार पिछले कई सालों में भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लगातार निर्णय लिए गए हैं, लगातार उपाय किए गए हैं, लक्ष्य बनाए गए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो हमेशा हाईलाइटेड रहे और उस पर से काफी सारे क्वेश्चन लगातार पूछे भी गए, इसलिए यहाँ पर ऐसी चीजों पर, ऐसे करंट पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसे शॉर्ट फॉर्म में हम LT लेट्स यहाँ पर कहते हैं, और UNFCCC के समक्ष अपनी दीर्घकालीन निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति को भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर अपनी भारत की दीर्घकालीन निम्न उत्सर्जन विकास जो रणनीति है LT लेट्स, वहां पर देखें तो चार चीजों के बारे में सरकार ने यहाँ पर डिस्कस किया है भारत के द्वारा। पहला, संचयी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत के ऐतिहासिक योगदान अगर देखे जाए तो यहाँ पे नगण्य है। विकास के लिए भारत की ऊर्जा जरूरतें यहाँ पर काफी अधिक हैं और भारत विकास के लिए निम्न कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है और भारत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाने की भी यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर विकास रणनीति के तहत भारत एक तरफ ऐसा एक देश है जो विकासशील है, जिसकी जरूरतें बहुत ज्यादा है, जिसके लोगों की यहाँ पे आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, तो एक तरफ वहां पर उसे पूरा करना है और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से भी वहां पर उन्हें निपटना है। तो इनको कह सकते हैं कि विकास के साथ पर्यावरण को यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करते हुए चीजों को आगे बढ़ाने को लेकर आप यहाँ पर LT लेट्स को यहाँ देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा आप जो भी थोड़े से घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हुए हैं उनको भी एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जो वर्तमान नीतियां और लक्ष्य हैं भारत सरकार के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज यहाँ पर करा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विकास गतिविधियों के अनुरूप विद्युत प्रणालियों से निम्न कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, इसमें देखिए तो एक NDC है, अर्थात जो भारत का राष्ट्रीय कह सकते हैं योगदान का निर्धारण यहाँ पर किया गया है कि वर्ष 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हमें प्राप्त करनी है। वितरण कंपनियां जो है खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण खरीद दायित्व की प्रक्रिया को यहां पर करेंगे, अर्थात जो भी कंपनियां जो विद्युत वितरण कर रही हैं वो लगातार आपको ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी बिजली का उत्पादन करें जो कि यहां पर कम कार्बन उत्सर्जन करें। नवीकरणीय ऊर्जा के समृद्ध 8 राज्यों में पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे का भी यहां पर निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2032 तक स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना यहां पर वृद्धि करनी है। तो विद्युत के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा किए गए काम। इसके बाद एकीकृत कुशल व समावेशी निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली को लेकर भी भारत सरकार ने काम किया है, जैसे कि 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना है। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक को अपनाना है, यानी जिसे हम BS6 कहते हैं।
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसे पीएम गतिशक्ति को यहाँ पे आरंभ करना है, तो वो ये सारे काम यहाँ पे परिवहन प्रणाली के अंतर्गत कर रहे हैं। इसके अलावा शहरी डिजाइन में अनुकूलन, इमारतों में ऊर्जा और सामग्री दक्षता तथा टिकाऊ शहरीकरण को लेकर भारत सरकार के प्रयास, जिसमें देखा जाए तो नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, राष्ट्रीय भवन संहिता, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, इको निवास संहिता जैसी चीजों के भवन निर्माण के संदर्भ में अपनाया जा रहा है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाए गए हैं, टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है और विस्तारित उत्पादक दायित्व उत्तरदायी 2021, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जैसे कानून भी यहाँ पर पारित किए गए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर उत्सर्जन मुक्त आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना और एक कुशल नवाचार आधारित निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली को तैयार करने के संदर्भ में भी भारत सरकार ने इकोनॉमिकल पर्पज से साइंस एंड टेक का के तरीके से उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन चीजों को विकसित करना है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो टिकाऊ आवास, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, मानक लेबलिंग योजना तथा ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण मंच यहां पर तैयार किए गए। जैसे कि स्टार मानक दिए जाते हैं, जो भी आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक आप संसाधन अपने घरों में यूज करते होंगे तो वहां पर स्टार की 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, जो ऊर्जा दक्षता के दृष्टिकोण से यहाँ पर ज्यादा बेहतर होते हैं। प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देना, जैव ईंधन के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति और ईंधन के उपयोग में यहाँ पे बदलाव लाना। इसके साथ संसाधन दक्षता, प्लास्टिक ई अपशिष्ट तथा स्टील रिसाइकलिंग नीतियों के द्वारा सामग्री दक्षता को बढ़ाया जाना, ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने जैसे यहाँ पे पक्षों को भी भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। इसके अलावा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और संबंधित इंजीनियरिंग के समाधान के संदर्भ से अगर देखा जाए तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसी तकनीकों और कार्य प्रणालियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान विकास व मानव बुनियादी ढांचे की क्षमता को निर्मित किया गया है। इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक पर्यावरण से संबंधित विचारों के अनुरूप वन और वृक्ष आच्छादन को बढ़ावा देने संबंधी प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। जैसे कि एनडीसी में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत जो है 2030 तक करीब 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक यहाँ पर तैयार करेगा। अन्य स्वैच्छिक योगदान के संदर्भ से देखे जाए तो 2030 तक ही आपको 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना, 20 वैश्विक आईजी जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य को यहाँ पर विकसित करना। प्रमुख नीतियों और संस्थानों के दृष्टिकोण से देखें तो हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय नवीनीकरण कार्यक्रम, नगर वन योजना, राष्ट्रीय RED+, वनों की कटाई, वन संरक्षण के उत्सर्जन को कम करना जैसी रणनीतियों को अपनाया गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के द्वारा प्रमुख हरित प्रयास भी यहां पर किए जा रहे हैं। निम्न कार्बन विकास से जुड़े आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर अनिवार्य सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए सेबी के द्वारा बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की शुरुआत यहाँ पर की गई है। पीएसएल अर्थात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारी के तहत नवीनीकरण ऊर्जा के परियोजनाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है और जलवायु जोखिम संधारणीय वित्त से जुड़े निवेश के क्षेत्र में नियामक पहल को नेतृत्व करने के लिए आरबीआई के द्वारा सस्टेनेबल फाइनेंस की ग्रुप की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो ये जो पहलू है भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफी सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो भारत सरकार ने यहाँ पर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से एक वैश्विक स्तर पर आप नेतृत्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आता है स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हैं। कई बार इस तरह के घटनाक्रम जिनके 50 वर्ष, 100 वर्ष, 75 वर्ष इस तरह की चीजें पूरी हो रही हैं वो भी आपको हाईलाइटेड हो जाते हैं, करंट अफेयर के एस्पेक्ट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हाल ही में देखा जाए तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम 50+50 का आयोजन यहाँ पर किया गया। 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। UNCHE को स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में यहाँ पे जाना जाता है और यह पहली बार पर्यावरण एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया था स्टॉकहोम कन्वेंशन में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत हम जो भी लगातार डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि यहाँ पर 1965 में यूएन साइंस एडवाइजरी कमेटी ने वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि में मानव द्वारा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को उजागर किया। वही 1967 में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में दोगुनी वृद्धि से वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा जैसी चीजों के बारे में बात की गई। 1968 में कहा गया कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। वही 1968 में स्वीडन ने स्टॉकहोम सम्मेलन का प्रस्ताव यहाँ पर दिया था। इसके अलावा कार्यवाही योग्य एजेंडे के लिए अगर हम स्टॉकहोम 50+ की सिफारिशें भी यहाँ पर देख लीजिए, दो चीजों को लेकर यहाँ पर सिफारिश की गई सम्मेलन में। पहला कि मानव कल्याण को केंद्र में रखकर स्वस्थ पृथ्वी और सभी के लिए समृद्धि को यहाँ पर हासिल करना। वहीं दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें स्वच्छ स्वस्थ
संधारणीय पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देना और उसे लागू करना। तो ये यहाँ पे स्टॉकहोम 50 सम्मेलन के कुछ प्रमुख पहलू हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ओजोन और ओजोन क्षयकारी पदार्थ अर्थात ओएसडी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जब भी यहाँ पर ओजोन का क्षरण यहाँ पर होता है तो इसके लिए पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सीएफसी जो है वो उसके अणु जो होते हैं क्लोरीन परमाणु को यहाँ पर नष्ट करते हैं और क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित करते हैं जिससे ओजोन परत में यहाँ पर छेद हो जाता है और इस दौरान जो होता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु का यहाँ पर निर्माण करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर आप जो गैसे जो हानिकारक है क्लोरोफ्लोकार्बन के अंतर्गत एक तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका एक सम्मिश्रण यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओजोन यहाँ पर जिसको हम कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ संबद्ध होकर यहाँ पे ओजोन का अणु बनता है। तो यहाँ पर देखिए ओजोन परत के द्वारा पृथ्वी की यूवी जो किरणें होती हैं ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी जो होता है वो आपको वायुमंडल में ही रोक ली जाती हैं आपको नीचे यहाँ पर नहीं आने दिया जाता है जिससे क्योंकि अगर आप पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क में आते हैं तो वहां पर कैंसरकारी यहाँ पर प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अब ये देखा जाए तो आपका जो क्षोभ मंडल है 10 से 50 और समताप मंडल है 0 से 10 किलोमीटर के संदर्भ में यहाँ पर इनकी आपको एक स्थिति इसमें देखी जाती है। ओजोन क्षयकारी रसायनों के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं तो सीएफसी आती है जिसमें एरोसोल रेफ्रिजरेंट और सॉल्वेंट्स जैसे तत्व शामिल हैं। एचसीएफसी जो होती है जिसमें एरोसोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट आते हैं। हैलोन शामिल है जो कि अग्निशामक आपको यंत्र कित में यूज होते हैं और मिथाइल ब्रोमाइड जो कि कीटनाशक के तौर पर यूज होते हैं। ये सारी जो कह सकते हैं गैसेस हैं वो आपको ओजोन के लिए नुकसानदायक होती है। चलिए अगला यहां पर देखते हैं, अगला टॉपिक इसमें है संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन UNOC। देखा जाए तो सुर्खियों में क्यों है क्योंकि हाल ही में इसका द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जिसे हम लिस्बन घोषणा पत्र के साथ यहां पर समाप्त हो गया है। ये एक राजनीतिक घोषणा पत्र है और इसका जो शीर्षक है ध्यान रखिएगा वो है आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन और इसे केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में यहाँ पे आयोजित किया गया था। देखा जाए अगर इस लिस्बन घोषणा पत्र के जो प्रमुख जो पहलू है जो प्रतिबद्धताएं यहाँ पर व्यक्त की गई है चार प्रमुख पहलुओं पर यहाँ पर प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है। पहला कि 2030 तक हमें 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना है उनमें वृद्धि करनी है। दूसरा वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना है। तीसरा समुद्र के अम्लीकरण जलवायु लचीलेपन परियोजनाओं पर अनुसंधान निगरानी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु यहाँ पर धन को आवंटित करना है। और चौथा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। तो UNOC के यहाँ पे जो प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं या लिस्बन जो घोषणा पत्र है उसके प्रमुख पहलू जो हैं उनको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। यहाँ पर देखिए तो भारत ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत IRMIP को यहाँ पर लॉन्च किया है। लक्ष्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में के दौरान हमें ऊर्जा के क्षेत्र में R&D को यहां पर बढ़ाना है और इसके अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण को यहां पर देखा जाए तो बढ़ावा देना है। इसमें देखा जाए तो इसका सह नेतृत्व जो है भारत और नीदरलैंड ने किया। मिशन के जो कोर सदस्य हैं उसमें ब्राजील और कनाडा शामिल है। मिशन सहायता समूह के तौर पर यहां पर देखा जाए तो यूरोपीय आयोग और यहां पर UK शामिल है और इसका उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य एकीकृत बायो रिफाइनरीज के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए नवीन समाधानों का विकास और प्रदर्शन करना। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर मिशन इनोवेशन के 7 मिशन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। पहला कार्बन ट्रांजिशन, दूसरा नेट जीरो इंडस्ट्रीज, तीसरा मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, चौथा क्लीन हाइड्रोजन, पांचवा ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, छठा जीरो एमिशन शिपिंग और सातवां कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये 7 यहां पर देखा जाए तो मिशन इनोवेशन या MI के 7 मिशन यहां पर निर्धारित किए गए। इन एस्पेक्ट को पहलुओं को ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें आपको एज अ क्वेश्चन के रूप में फैक्चुअलाइजेशन या मल्टीपल UPSC में देखे जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। इसके साथ साथ अगला यहां पर देखिए, अगला यहां पर है वंशन लाइफ, यहां पर है पर्यावरण के लिए वलय जीवन शैली जो मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। ठीक है, तो मिशन लाइफ के तहत अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर क्या क्या है, सुर्खियों में चर्चा का विषय क्यों है, तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के देखे जाए तो केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिशन लाइफ, ठीक है, में पर्यावरण के लिए जीवन शैली का यहाँ पर शुभारंभ किया है। और शुभारंभ के संदर्भ से देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो लक्ष्य 2022 से 2027 अगले 5 वर्षों के संदर्भ से पर्यावरण की रक्षा संरक्षण के लिए व्यक्तिगत कार्यवाही है तो कम से कम यहाँ पर 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को लामबद्ध करने का यहाँ पर उद्देश्य है।
इसमें देखा जाए तो भारत कम से कम 80% गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा, मिशन की जो अवधि इसमें रखी गई है यह 5 वर्षीय कार्यक्रम के रूप में चलेगा और इसके तहत हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में 3 मुख्य बदलावों को साकार करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत सरकार ने यहाँ पर देखिए 3 बदलावों की बात की है, वहीं कार्रवाइयों की जो सूची है यहाँ पर 7 प्रकार के कार्रवाइयों की सूची भी जारी की है। 3 बदलावों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला जो बदलाव यहाँ पर है वो मांग में बदलाव लेकर आना है। मांग में बदलाव के दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया भर में लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल किंतु प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, अर्थात हर एक व्यक्ति को पर्यावरण अनुकूलित कार्यों में यहाँ पे लगाना है, क्योंकि सभी का योगदान ही पर्यावरण को हम ज्यादा बेहतर और तीव्र गति से यहाँ पर उसके अनुकूलन या बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, आपूर्ति में भी हमें बदलाव करना है। आपूर्ति कैसी करनी है तो व्यक्तिगत स्तर पर मांग में व्यापक बदलाव, ताकि हितधारकों को मांगों में बदलाव के अनुरूप आपूर्ति तथा खरीद को अनुकूलित करने का प्रयास किया जाए, अर्थात जैसी मांग होगी वैसी आपूर्ति होगी। अगर मांग जो होगी वो पर्यावरण अनुकूलित होगी तो आपूर्ति भी हमें वैसी ही यहाँ पर सुनिश्चित करनी है। और तीसरा, नीतिगत स्तर पर बदलाव करना है, जिसके तहत औद्योगिक सरकारी नीतियों में बदलाव लाना है, बड़े पैमाने पर उनको प्रोत्साहित करना है। भारत और दुनिया की यहाँ पर मांग आपूर्ति की गतिशीलता को यहाँ पर देखा जाए तो प्रभावित करके हमें संधारणीय खपत तथा उत्पादन का समर्थन यहाँ पर करना होगा। तो इस तरीके से हमें मांग, बदलाव और नीति तीनों स्तरों पर, मांग, आपूर्ति और नीति, तीनों ही स्तरों में यहाँ पे बदलावों की बात की गई है। चलिए बात करते हैं कि कार्रवाइयों की क्या क्या सूची है, तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। पहली बात है यहाँ पे ऊर्जा की बचत करना। ऊर्जा की बचत के संदर्भ से हमें उन एलईडी बल्ब का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग इत्यादि जैसी चीजों को अपनाना चाहिए। ऐसी ही यहाँ पर 19 कार्यवाहियों की बात की गई है। जल की बचत के संदर्भ में 15 कार्यवाहियां बताई गई हैं, जैसे कुछ के एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ड्रिप या टपक सिंचाई प्रणाली को अपनाना, वर्षा जल का संचयन करना जैसे, और संरचना के समय यहाँ पर आपको ऐसी चीजों का निर्माण करना जिसमें कम यहाँ पर जल इत्यादि की आवश्यकता हो। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की खपत को कम करने संबंधी यहाँ पे 11 उपायों की बात की गई है, जैसे कि बांस से बने टूथब्रश का उपयोग करना, खरीदारी के लिए यहाँ पे कपड़े से बने थैलों का उपयोग करना, इसके अलावा संधारणीय आहार शैली को अपनाना, जैसे कि यहाँ पर खाद्य अवशिष्ट घर खाद्य बनाना और स्थानीय रूप से उपलब्ध मौसमी खाद्यों को यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही अवशिष्ट में कमी करना, स्वच्छता कार्यवाहियों के दृष्टिकोण से 11 कार्यवाहियां हैं, जैसे पुराने कपड़े और किताबें दान करना, पुराने फर्नीचर की मरम्मत करना, उनका उपयोग करना, रिसाइकिल करना इत्यादि पहलू। इसी तरीके से 6वें लक्ष्य के तहत यहाँ पे जो सूची है वो स्वस्थ जीवन शैली को यहाँ पे अपनाए जाने की बात की गई है, जिसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ लगाना, प्राकृतिक और जैविक कृषि प्रणाली को यहाँ पे अपनाए जाने की बात की गई है। वहीं ई अपशिष्ट के में यहाँ पे कमी करने के दृष्टिकोण से रिचार्जेबल लिथियम बैटरियों का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें उपयोग में लाने जैसे उपायों की बात की गई थी। ये सारे जो एस्पेक्ट है यहाँ पर अगर हम देखें वो सब के सब आपको कार्रवाइयों की सूची के अंतर्गत इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी के संदर्भ से, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर एनडीसी के लक्ष्य और टोटल यहाँ पर जो 8 यहाँ पर हैं, सभी एनडीसी के लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ये 3 जो है 2030 के लक्ष्य के संदर्भ से हैं और 2015 के लक्ष्य के संदर्भ से यहाँ पर आपकी इसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2030 के संदर्भ जो लक्ष्य है उनको हमें ज्यादा ध्यान में यहाँ पर रखना है। जीडीपी के संदर्भ उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है, जैसे कि यहाँ पर 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% की यहाँ पर कमी करनी है। अपडेटेड एनडीसी 2022 में अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% की कमी करनी है, और अगर प्रगति की बात करें तो 2005 के स्तर की तुलना में 28% की अनुमानित कमी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। इसी तरीके से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत का 1% हासिल करना, या लक्ष्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्त सहित कम ब्याज वाले अंतरराष्ट्रीय ऋण की मदद से इसमें पूरा किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें आपको लगभग 40% की इसमें बात की गई है, और लगभग 50% आपको देखा जाए तो अपडेटेड एनडीसी में इसमें बात की गई है, और प्रगति अगर हम देखें तो जून 2022 तक हमने के अंत तक 43.5% की यहाँ पर ऑलरेडी प्राप्ति कर ली थी। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनकी प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी काम हो रहे हैं।
इसके अलावा अतिरिक्त वन वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण की बात की गई है। अब इसमें देखें तो पूर्ववर्ती जो एनडीसी है 2015 के हिसाब से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर यहाँ पर कार्य करना था और इसे सेम एटरीज यहाँ पर आपको फॉलो किया गया है। इसके अलावा भारतीय परंपरागत मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वस्थ एवं संधारणीय तौर तरीकों को अपनाया जाना, जिसे एनडीसी 2022 में भारतीय परंपरा के मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के स्वस्थ संधारणीय तौर तरीकों को आगे बढ़ाने की इसमें बात की गई है। इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कुंजी के रूप में लाइफ लाइफस्टाइल एनवायरमेंट नामक एक जन अभियान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सरकार ने अपनी एनडीसी 2015 में जो निर्धारित किया उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बनाने के लिए नए तरीके अभियानों कार्यक्रमों को यहाँ पर शामिल किया गया। इसी तरीके से एनडीसी 15 में कहा गया था कि आर्थिक विकास के इसी स्तर पर दूसरे देशों के अब तक के अपनाए गए मार्ग के विपरीत जलवायु अनुकूल और स्वच्छ मार्ग को यहाँ पे अपनाया जाएगा। अब इसे यहाँ पर देखिए इट इज यहाँ पर आपको आगे भी 2022 में अपडेट कर दिया गया है। छठी जो बात कही गई थी एनडीसी 15 में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन क्षमता को प्राप्त करना है। ऐसे सुभेद क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र जल संसाधन हिमालयी क्षेत्र तटीय क्षेत्र और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। अब इसी एस्पेक्ट को देखा जाए तो इन्होंने एटलीस्ट यहाँ पर आगे भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया। रीजन क्या है, जो चीजें अपडेटेड हुई होंगी क्वेश्चन के रूप में उनसे बन सकते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए एनडीसी लक्ष्यों में वो आपको इसमें एज ए क्वेश्चन इसमें बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो परिवर्तन हुए जो प्रगति किया है जो कह सकते हैं जो फैक्ट है इन फैक्ट को ध्यान रखिए क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन लगातार एक हमेशा एक हाईलाइटेड मुद्दा रहा है, इसलिए इन पर एक नजर जरूर बना के रखिएगा। इसके अलावा देखिए सातवें जो पहलू इसमें शामिल किया गया था घरेलू पूंजी के साथ साथ विकसित देशों में नई और अतिरिक्त धनराशि को जुटाना, फंड्स की कमी नहीं होगी और उपयुक्त समय अनुकूल कार्यों को पूरा करना, इसे भी ऐसे ही आगे बढ़ा दिया गया है। और आठवां जो बात है भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी को यथाशीघ्र अपनाने की क्षमता का निर्माण करना, इसके अतिरिक्त भावी प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान विकास घरेलू फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय संरचना का निर्माण, इसे भी इट इज यहाँ पर देखा जाए तो एनडीसी 2022 के लक्ष्यों के तौर पर अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद इसमें आता है यूएनएपी के द्वारा जारी उत्सर्जन अंतराल 2022 की रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर कहा गया है जिसके कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं इस रिपोर्ट्स के, हमेशा इस तरह की रिपोर्ट्स में करंट एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो हमेशा कुछ लक्ष्य फैक्ट यही आपको हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं और यही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया पहली बात कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के सीमित रखने संबंधी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हमें 30 या 45% की कटौती करनी होगी। इसके साथ साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है और भारत का प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन करीब है 2.4 टन, ठीक है, कितना है 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है जो कि वैश्विक औसत की तुलना में यहाँ पर आपका बहुत ही कम है। बॉटम 50% परिवार वैश्विक स्तर पर कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 12% है तो यहाँ पर उत्तरदायी है, जबकि टॉप जो 1% है परिवार कुल उत्सर्जन के करीब 17% यहाँ पर उत्तरदायी है। अर्थात जो उच्च वर्गीय हैं वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हैं बजाय निम्न वर्गीय लोगों के। इसके साथ साथ बॉटम 50% या किसी देश या क्षेत्र में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले 50% परिवारों को यहाँ पर आपको संदर्भित करता है, इन फैक्ट को ध्यान रखना है। चलिए अगली बात यहाँ पर आता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को लेकर के। तो यहाँ पर देखा जाए इसे CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया के शीर्षक से इस रिपोर्ट को यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए कार्बन कैप्चर करना उपयोग करना भंडारण करने के संदर्भ से करना क्या होता है, कार्बन कैप्चर करने का मतलब है कि बायोमास ईंधन वाले बिजली स्टेशन औद्योगिक सुविधाओं या सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है। उपयोग कैसे करना है, तो कार्बन कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग उत्पादों और सेवाओं को बनाने के एक संसाधन या फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसका परिवहन किया जाता है, संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड को जहाज ट्रक पाइपलाइन के द्वारा कैप्चर किए गए बिंदु से उपयोग या भंडारण बिंदु तक इसे लेकर जाया जाता है। और उसके बाद भंडारण के स्तर पर देखा जाए तो भूमिगत भूवैज्ञानिकों के संरचनाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से यहाँ पे भंडारित कर दिया जाता है। एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए जैसे कि आपको बायोगैस ईंधन हो गया यहाँ से निकल रहा है, इसको ये कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर इसका उपयोग करने के संदर्भ से आपको देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं के दृष्टिकोण से हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
फिर इसको परिवहित किया परिवहन किया जाता है जहाज, ट्रक, पाइपलाइन इत्यादि के माध्यम से। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको फिर आपको भूमिगत स्तरों पर यहाँ पर संपीड़ित आपको ऑलरेडी कर दिया जाता है, जो नीचे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भूमिगत स्तर पे स्टोर कर दिया जाता है। इस तरीके से यह पूरा कार्बन कैप्चर की प्रक्रिया, उपयोग और भंडारण की स्थिति देखी जाती है। इसके साथ साथ देखिए कुछ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की भी यहाँ पर आपको चर्चा की गई है, जो कि हम मैप के थ्रू भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की यहाँ पर बात की गई है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। जम्मू की पहली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। इनको ध्यान रखिएगा, पहली इस तरह के फैक्ट बहुत पूछ ले जाते हैं कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर की है। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, तो उसको भी यहाँ पे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जित करने और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच के संतुलन की स्थिति ही कार्बन न्यूट्रलिटी है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाया जाता है इसमें, और फिर उसका भंडारण करना कार्बन संचयन कहलाता है। इसी तरीके से कुछ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं वैश्विक स्तर पर। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट एक तरीके की सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं हैं, जहां एक छोटा सा परिवर्तन भी पृथ्वी की प्रणाली को अकस्मात और अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर यहां पर धकेल सकता है। और वैश्विक स्तर पर कुल 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की गई है, इनमें से एक आर्कटिक हिमावरण का क्षेत्र भी इसमें आपको शामिल है। ये देखिए ये टोटल आपको 9 यहां पर है। देखिए जो पहला जो क्षेत्र आप यहां पर मैप में देख रहे हैं, ये अमेजन का वर्षावन है, जो बार बार यहां पर सूखे पड़ने की स्थिति इसमें देखी जा रही है। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपरी वाला पार्ट यहां पर देखिए, जो आर्कटिक हिमावरण है, और हिमावरण के यहाँ पे क्षेत्र में देखा जाए तो लगातार आपको एक कमी की स्थिति इसमें देखी जा रही है। तीसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे अटलांटिक सागर की एक स्थिति को ये दिखाया जाता है, जो ये वाला मिडिल वाला पार्ट आपको इसमें देखने को मिला है। यहाँ पे अटलांटिक जो परिसंचरण की स्थिति है, इसकी जो गति है 1950 के दशक की तुलना में धीमी है, अर्थात जो समुद्री जो कह सकते हैं परिसंचरण है, डीप वाटर सर्कुलेशन जो होते हैं, वो यहाँ पर आपको काफी कम यहाँ पर धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा जो पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं, जो बेओरियल वन है, जो लगातार आप अमेरिका में कनाडा से क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं लगातार आप सुनने को मिलते हैं, वो एरिया यहां पर है, बोरियन वन से हम कहते हैं। पांचवा देखिए यहां पर आपको है, जो हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, यहां पर देखिए प्रवाल भित्तियां जो है व्यापक पैमाने पर लगातार कम हो रही है, प्रवाल विरंजन की घटनाएं बढ़ी है। छठा जो है जो ग्रीनलैंड का एरिया है, इस एरिया को आप देख सकते हैं, ये ग्रीनलैंड है आपका। ग्रीनलैंड का जो हिमावरण है, हिमावरण में तीव्र गति से यहाँ पर आपको कमी देखने को मिली है। सातवां जो है वो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जो कि आपको रशिया का क्षेत्र आप इसमें देख सकते हैं। आठवां अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये है आठवां, जो पश्चिम अंटार्कटिका हिमावरण में तीव्र गति से यहाँ पर कमी आपको देखने को मिली है। और नौवां जो है वो विल्कस बेसिन है, जो पूर्वी अंटार्कटिका में ही है, ये एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पर देखा है तीव्र गति से हिमावरण की आपकी कमी हुई है। ये 9 एरियाज हैं जिसको हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं, और इनमें लगातार आपको देखा जाए तो बड़े स्तर पर यहाँ पर परिवर्तन होने शुरू हुए, और यहाँ पे हुए परिवर्तनों को हम आगे चेंज भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अगली बात यहाँ पर आती है, एक और कॉन्सेप्ट है ग्रीन वॉशिंग का लेकर के। क्या है ग्रीन वॉशिंग, तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण के का आह्वान यहाँ पे किया है। ग्रीन वॉशिंग जो शब्दावली है वो 1968 में लेकर आई गई थी, और इसे दिया था जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा। इसमें देखा जाए तो ग्रीन वॉशिंग का संदर्भ है कि किसी कंपनी या संगठन के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल आप काम करने के संदर्भ में दिखाया तो जाता है, लेकिन वहां पर वास्तव में सभी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली होती हैं, अर्थात जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं। कहा यह जाता है कि हम पर्यावरण के अनुकूलित यहाँ पे काम करें, लेकिन होता क्या है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। अब यहां पे देखिए ग्रीन वॉशिंग के प्रकार क्या क्या हैं। तो पहली चीज होती है झूठ बोलना, फिबलिंग करना, इसमें होता है पर्यावरण के संबंध ऐसे दावे करना जो स्पष्ट रूप से झूठ है। दूसरा कोई सबूत नहीं है, नो प्रूफ, अर्थात कि पर्यावरण के संबंध में ऐसा दावा करना जिसे प्रमाणित ही आपको नहीं किया जाता, कि आपने ऐसा काम किया है लेकिन आपसे कहा जाए प्रमाणित करो तो वो प्रमाणित आप नहीं कर सकते। तीसरा हिडन ट्रेड ऑफ, हिडन ट्रेंड ऑफ का मतलब हुआ कि एकल पर्यावरण विशेषता के आधार पर किसी उत्पाद को ग्रीन सिद्ध करना, कि आप वहां पर कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं वो बेसिकली एनवायरमेंट अनुकूलित है, जबकि वो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ट्रेड के रूप में आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं जिसे आप एनवायरमेंट अनुकूलन यहाँ पर बता दिया जाता है। इसके अलावा अस्पष्टता, संचालन या सामग्री के बारे में जानबूझ कर आप विवरण जो होते हैं वो यहाँ पर आप नहीं देते हैं, या फिर आप कम हानिकारक बताते हैं, कहते हैं कि ये लेस एबल से, अर्थात पर्यावरण के हानिकारक उत्पाद पर
टू गुड्स लेबल लागू कर दिया जाता है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि नुकसान कम पहुंचाएगा, लेकिन बेसिकली अगर देखा है उसके उपयोग के कारण नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है। और असंबद्धता ऐसी सामग्री अभ्यास से इस्तेमाल करने से बचने का दावा करना जिसे पहले से ही अवैध या गैर मानकीकृत माना जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं ग्रीन वॉशिंग है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया क्या है? ग्रीन वॉशिंग है। इनको ध्यान रखिए, सारे कॉन्सेप्ट हैं, नई चीजें कई बार आती हैं तो उनको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले एस्पेक्ट पे, ध्यान से चलते चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, इनको पता होना, रिविजन करना, करंट को पढ़ते चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्लासेस आज से ही स्टार्ट हुई है तो इनको आपको डेली बेसिस बस मेरे साथ आपको करते चलना। चलिए अगला पॉइंट क्या है? देखिए एनवायरमेंट आप जितना भी पढ़ेंगे वहां पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में लगातार आप देखें तो पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। और जब भी आपको देखा जाए तो वायु प्रदूषण हो गया या जल प्रदूषण हो गया या अन्य तरीके के प्रदूषण आपको लगातार न्यूज में बने ही रहते हैं। इसको लेकर प्रदूषण या वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन को लेकर के देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पे कुछ नए लक्ष्य यहाँ पे बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2026 तक देखा जाए तो कणकी पदार्थों PM33 की संख्या में 40% तक कमी लाने के नए लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए हैं। यह लक्ष्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल शहरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इस संबंध में देखा जाए जो पहले 2024 में 20 से 30% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था और 2017 को आधार वर्ष के रूप में इसमें निर्धारित किया गया था। तो फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितना 20 से 30% 2024 तक। चलिए मुख्य विशेषताएं क्या है एनसीएपी की? देखिए यहां पर अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग परियोजनाएं यहां पर आपको तैयार की गई हैं, अलग अलग उपाय इसमें बताए गए हैं। जैसे कि कुछ उपाय इसमें बताए गए हैं कि वायु की गुणवत्ता संबंधी निगरानी के नेटवर्क को मजबूत करना, वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, इस बारे में लोगों को अधिक जागरूक करना और देश के 132 शहरों में इसे लागू करना। ये सारे जो पहलू हैं यहां पर आपको देखा जाए तो एनसीएपी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कुछ मानदंडों की यहां पर बात की गई है। क्या क्या है, सुर्खियों में चर्चा का विषय ये क्यों है? तो देखिए पर्यावरणीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने SO2 के मानदंडों को अपनाने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों को 2 वर्षों का यहाँ पर दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भित यहाँ पे जो मानक सेट किए गए हैं उन्हें उद्योगों को मानना है और इसके संदर्भ में 2 वर्ष का समय दिया गया है। देखा जाए 2015 में देखा जाए तो मंत्रालय के द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारा और जल के उपयोग के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को अधिसूचित किया गया था। प्रारंभ में इन मानदंडों को 2017 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, बाद में से 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब SO2 को लागू करने की समय सीमा को सभी 3 श्रेणियों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मानकों को पूरा करने के लिए समय सीमा को अपरिवर्तित लेकिन रखा गया है, अर्थात इनको 2022 ही रहेगा। मानदंडों के अनुपालन के लिए मौजूदा TPP में फ्लू डी सल्फराइजेशन चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती जैसे लक्ष्यों को भी इसमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ देखा जाए तो नियंत्रकों को अधिक प्रयोग यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ देखा जाए तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का जो मतलब है यहाँ पर एक ऐसा सेट है प्रौद्योगिकी का जिसका उपयोग हम जीवाश्म ईंधन चालित विद्युत संयंत्रों व उत्सर्जित फ्लू गैसों व अन्य सल्फर डाई उत्सर्जक प्रक्रियाओं से होने वाले उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाया जाता है, ठीक है। अर्थात अलग अलग प्रकार की सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात अलग अलग प्रकार की क्रियाएं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम यहाँ पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो ताप विद्युत संयंत्र था TPP के लिए जो SO2 जो मानदंड यहाँ पर सरकार ने बताए हैं वो क्या है, वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर श्रेणी है, मानदंड है, SO2 उत्सर्जन के अलावा अन्य मानदंडों के लिए समय सीमा और SO2 उत्सर्जन के लिए समय सीमा की बात की गई थी। तो पहले यहाँ पर देखिए A है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के संदर्भ में। इसके लिए मानक ये है कि 2022 के अंत तक पार्टिकुलेट मैटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहाँ पर पूरी तरीके से उसके मानकों को लागू करना है जो कि औद्योगिक क्षेत्रों को या कह सकते हैं कंपनियों को, और सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में से 2024 तक उन्हें ये मानक पूरा करना है। इसी तरीके से लक्ष्य की गैर प्राप्ति वाले शहरों में जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनके संदर्भ में ये मानक है 2023 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर के संदर्भ में है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में ये मानक आपके 2025 बताए गए लक्ष्य रखाए गए हैं। और साथ साथ शेष संयंत्रों के लिए 2024 यहाँ पर है
और 2026 यहाँ पर लक्ष्य आपको निर्धारित किए गए हैं। तो ये आपके लक्ष्य जो है फिलहाल 2 सालों के लिए से बढ़ाया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो पेट्रोल वाहन है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगी 25% की कमी किया जाएगा, और इसके संदर्भ में उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड के 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। BS4 नामक यह 80 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर तक था BS4 मानक के संदर्भ से, जिसे BS6 वाहनों में यहाँ पर देखा जाए तो 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा डीजल वाहनों के संदर्भ से देखा जाए तो 3 प्रदूषकों अर्थात हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर को 70% तक कम करने के लक्ष्य रखे गए हैं, और इन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय सीमा मानक निर्धारित करता है, और इन मानकों को वाहन निर्माताओं के द्वारा पालन करना अनिवार्य है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो भी वाहन पर प्रयोग किए जा रहे हैं, उन वाहनों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके संदर्भ में भी ये मानक आपको निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, टर्म यानी ट्रेम स्टेज टीवी उत्सर्जन मानदंडों को लेकर के। ट्रेम देखा जाए तो क्या है, किस संदर्भ में क्या क्या मानक है टीवी उत्सर्जन को लेकर के। तो केंद्र सरकार ने कृषि उपकरणों के लिए ट्रेम स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की तारीख को एक बार फिर से यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है, और नए ट्रेम 4 उत्सर्जन जो मानदंड है, ये अप्रैल 2022 तक 50 हॉर्स पावर से बड़े इंजन वाले ट्रैक्टरों पर यहाँ पर लागू होंगे। इसके विपरीत 50 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले इंजन जो समग्र उद्योग का बड़ा हिस्सा है, ट्रेम 3A मानदंडों द्वारा शासित होते रहेंगे। वर्तमान में ट्रेम 3A उत्सर्जन मानदंड विभिन्न HP यानी हॉर्स पावर श्रेणी वाले ट्रैक्टरों के लागू किए जाते हैं, और ये मानदंड पहली बार 2010-11 में लागू किए गए थे। साथ ही 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले भारत स्टेज मानकों में विभिन्न श्रेणी के इंजन यहाँ पे शामिल हैं। इनमें 8 किलोवाट से लेकर छोटे इंजनों को लेकर 560 किलोवाट तक के बड़े इंजनों को शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं, एक है पेलेटाइजेशन और दूसरा है टारफेक्शन। ये क्या है और किस संदर्भ में इनकी बात की गई है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मंत्रालय के द्वारा जो पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के लिए यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या है दिशा निर्देश, जैसे कि इसमें कहा गया है कि धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन और टारफेक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का यहाँ पे प्रावधान भी किया जाएगा। पेलेटाइजेशन का मतलब होता है, इस प्रक्रिया में कतरने, सुखाने, पीसने और गोले बनाने की प्रक्रिया शामिल है। वहीं पे टारफेक्शन के अंतर्गत कार्बनिक बायोमास का तापीय क्षरण किया जाता है। पेलेटाइजेशन और टारफेक्शन इकाइयों के बीच प्रमुख अंतर एक टारफेक्शन रिएक्टर की एक उपस्थिति का है, और इस प्रक्रिया के तहत पेलेट्स में बनाए गए या टारिफाइड किए गए पुआल को ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ मिलाया जा सकता है, और इस कोयले की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी यहाँ पर आपको कमी होती है। इस तरीके से पराली जलाने से जो हो रहे प्रदूषण की स्थितियां हैं उनको कम करने के संदर्भ से इस तकनीकी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अगला यहाँ पर है वाटर कन्वेंशन को लेकर के। 2022 में यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के वाटर कन्वेंशन या जल अभिशमन की 30वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। वाटर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992 के संदर्भ में यहां पर इसे आयोजित किया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपाय है और एक अंतर सरकारी यहाँ पर मंच भी है। इसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया और 1996 में इसे लागू किया गया। प्रारंभ में इसे एक क्षेत्र उपाय के रूप में लागू किया गया था और 2006 में इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए एक वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। देखा जाए तो UNECE यानी यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग जो संस्था है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी है, देख लेते हैं क्या काम करते हैं ये। लेकिन इनकी उत्पत्ति हुई थी 1947 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा, इसकी स्थापना जिसे हम इकोसैक भी कहते हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था, UNECE का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। सदस्यता में देखिए इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के 56 देश में शामिल हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सभी इच्छुक सदस्य देश UNECE के कार्य में भाग ले सकते हैं, लेकिन भारत देखा जाए तो यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के दृष्टिकोण से देखें तो पहली चीज तो यहाँ पर 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है ये, और 4 जो अन्य इसके क्षेत्रीय आयोग हैं उनमें से एक है अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसे हम ESCAP कहते हैं,
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए आर्थिक आयोग जिसे ईसी लैक कहा जाता है, और पश्चिमी अफ्रीका के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग जिसे ईसी CWA यहाँ पे कहा जाता है। इसके अलावा एक छोटी सी यहाँ पे एक जानकारी है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में भूजल दोहन का स्तर यहाँ पर 100% हो चुका है। और श्रेणियां देखें, 67% भूजल आकलन इकाइयां सुरक्षित हैं, अतिदोहन वाली इकाइयों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, और 14 आकलन इकाइयां अतिदोहन की श्रेणी में हैं और 4 गंभीर की श्रेणी में है। जो अतिदोहन का मतलब है जरूरत से ज्यादा, एक पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र में जल की मात्रा का यहाँ पर एक निश्चित मात्रा से जरूरत से ज्यादा यहाँ पे दोहन करना, जितना उसका संचरण संभरण होता है उससे ज्यादा आप उसका पानी को बाहर निकालने की घटना को अतिदोहन यहाँ पर कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ समस्याएं यहाँ पर डेवलप होती हैं भारी जल संदूषकों के कारण, अर्थात ऐसी जो धातुएं जिसके कारण यहाँ पर आपको किसी भी पदार्थ के साथ जल के साथ मिलने के कारण वो चीजें दूषित हो जाती हैं और उसका सेवन करने से आपको समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उनके संदर्भ में देखा जाए तो सामान्य भूजल संदूषक और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों के संदर्भ से यहाँ पर एक श्रेणी है आपको, जिसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, मैग्नीज, यूरेनियम नाइट्रेट और PFAS यहाँ पर प्रमुख भारी संदूषक है। इनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए यदि आर्सेनिक जो है इसका आपके साथ यहाँ पर संलग्न होता है, किसी कारण से आप इसके संपर्क में आते हैं, तो उसके कारण ब्लैक फूड रोग हो सकता है, मेलानोसिस हो सकती है, केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस जैसे दर्दनाक एवं विकृत त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ लीवर और किडनी की बीमारी हो सकती है, हृदय और फेफड़े की बीमारी हो सकती है, और कई प्रकार के कैंसर के कारण यहाँ पर मौत भी हो सकती है। वहीं फ्लोराइड जैसी धातुओं के संपर्क में आने से या उसका सेवन करने से या किसी के साथ संलग्न होने के कारण स्केलेटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस की यहाँ पर आपको घटनाएं होती हैं। मैग्नीज की यहाँ पर अधिकता के कारण बौद्धिक विकास बाधित हो सकता है, और यूरेनियम की अधिकता के कारण किडनी खराब होती है, कैंसर के खतरे के कारण यहाँ कैंसर कैंसर हो सकता है और उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। नाइट्रेट जो है उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, कोलोरेक्टल कैंसर, थायराइड रोग, न्यूट्रल ट्यूब विकार जैसी समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हैं, और PFAS के कारण भ्रूण और स्तनपान करने वाले शिशुओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव, वृषण और किडनी का कैंसर, लीवर की क्षति, प्रतिरक्षा प्रणाली, थायराइड संबंधी प्रभाव, कोलेस्ट्रॉल संबंधी अन्य यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर किसी धातु या किसी प्रकार के कह सकते हैं कि प्रदूषक के कारण होने वाले यहाँ पर समस्याएं, तो इसको लेकर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात यहाँ पर देखिए, पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कोइल पदार्थ जिसको हम PFAS कहते हैं, ये चर्चा में क्यों यहाँ पे रहा है। देखिए हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कई स्थानों पर वर्ष भर के जो जल है जिसको हम PFAS है वो उसके कारण आपको जल जो है दूषित हो रहा है, और इसके कारण आप ध्यान दीजिएगा कि PFAS एक प्रकार के रसायन है जिसमें आंशिक या पूर्णतः फ्लोरीन युक्त कार्बन की श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं, और इनकी श्रृंखलाओं की लंबाई यहां पर आपको भिन्न भिन्न हो सकती है। कार्बन क्लोरीन के इस मजबूत बॉन्ड के कारण ये पर्यावरण में दीर्घकाल तक बने रह सकते हैं, और इनके निम्नीकरण में अत्यधिक समय लगता है, और इसलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल या चिरस्थायी यहाँ पर आपको रसायन कहा जाता है, अर्थात ये जल्दी विघटित नहीं होते हैं और इसके कारण समस्याएं ये और भी ज्यादा क्रिएट करने में सक्षम है। इसके अलावा परफ्लोरोकार्बन ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड जिसे हम PFOS कहते हैं तथा परफ्लोरोक्टेनिक एसिड PFOA जैसे स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते के तहत यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। तो ये देखा जाए तो PFAS के संदर्भ से यहाँ पर आपको रोग भी मैंने बता दिए थे जिसके कारण भ्रूण और स्तनपान के शिशुओं के विकास पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वृषण किडनी का कैंसर हो सकता है, लीवर की क्षति, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर, थायराइड संबंधी विकार, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ये सब भी यहाँ पर होती है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए PFAS से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं और इनके उपयोग संदर्भ में कुछ घटनाक्रम भी हैं, जैसे कि PFAS से जुड़े मुद्दे, अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण की सतत उपस्थिति के कारण व्यक्तियों और पशुओं में ये के रक्त में ये घुल जाते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे समस्याएं डेवलप करते हैं, जैसे कि प्रजनन क्षमता का ह्रास जैसी समस्याएं होती हैं, बच्चों में विकास संबंधी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक हार्मोन जो होते हैं वो उसमें स्राव होने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और साथ साथ लीवर में यहाँ पर आपको खराबी होती है। इसके दूसरे एस्पेक्ट को अगर हम देखें, PFAS का जो आम उपयोग है जहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन और भोजन पकाने हेतु तो उपयोग होने वाले बर्तनों में देखा जाए तो इसकी यहाँ पर लेप लगाई जाती है, अग्निशामन फोम में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, पानी और तेल प्रूफ परिधान बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, दाग प्रतिरोधी कालीन आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, जीवनाशी, घरेलू अभिकर्मक,
जैसे सफाई अभिकर्मक, संसेचन स्प्रे जैसे चीजों में इनका हम प्रयोग करते हैं, और फूड पैकेजिंग में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आप जो भी यूज कर रहे हैं, देखा जाए तो आप पीएफएस के सीधे संपर्क में आने वाले कई प्रकार के उत्पादों को आज आप प्रयोग कर रहे हैं, और उसके कारण ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इनके उपयोग से यहाँ पर थोड़ा सा बचें जरूर। चलिए अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक योजना जो भारत सरकार की अर्थ गंगा योजना के नाम से लेकर आई गई है। देखिए चर्चा में यहाँ पे क्यों रहा है अर्थ गंगा को लेकर के, कि हाल ही में यमुना पे आजादी के एक अमृत महोत्सव के संदर्भ में अर्थ गंगा की अवधारणा को डेवलप किया गया है, और इसके तहत इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की तरह ही यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य ये है कि अर्थ गंगा परियोजना के माध्यम से गंगा बेसिन के क्षेत्रों का विकास करना और इन क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में 3% के योगदान को सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ यह अनुपात लगाया गया है, अनुमान लगाया गया कि 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पे आर्थिक लाभ इस योजना के माध्यम से हो सकता है। अब देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत अर्थ गंगा के तहत जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्यविधियां हैं, वो भी यहाँ पर अनुकूली दिखाई गई है, बताया भी गया है। जैसे कि संस्थागत क्षमता का निर्माण किया जाएगा, इसमें बेहतर विकेंद्रीय जल प्रशासन के लिए स्थानीय क्षमताओं में वृद्धि किया जाएगा। दूसरा, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को यहाँ पर इन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक रसायन मुक्त खेती की जाएगी। किसानों के लिए प्रति बूंद अधिक आय का सृजन किया जाएगा और गोवर्धन योजना को यहाँ पर इन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसी तरीके से मलगाद और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनर्उपयोग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें सिंचाई और औद्योगिक कार्यों में उपचारित जल को फिर से उपयोग में लाकर यहाँ पर राजस्व को बढ़ाने के काम किए जाएंगे। इसके साथ साथ आजीविका सृजन के अवसर की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें घाट में हाट अर्थात बाजारों को डेवलप करना, स्थानीय उत्पादों आयुर्वेद औषधि पौधों आदि को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा प्रहरी जैसे स्वयंसेवकों की सक्षमता का इसमें निर्माण भी किया जाएगा। इसमें जन भागीदारी को बढ़ाने के संदर्भ से नदी से जुड़े हितधारकों के बीच एक तालमेल को सुनिश्चित करना शामिल है, और सांस्कृतिक विरासत पर्यटन के संदर्भ से यहाँ पर देखा जाए तो नए पर्यटन, कम्युनिटी जेटीज, योग का प्रचार, साहसिक पर्यटन, गंगा आरती जैसी पहलों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे पहलुओं को इसमें शामिल करने का अर्थगंगा का ये प्रायोजन है। इसके साथ साथ अर्थगंगा के तहत शुरू की गई कुछ पहले भी यहाँ पर हैं, जो कि 3 अलग अलग एस्पेक्ट की इसमें बात दिखाई देती है। एक है जलज, जलज यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। ये स्थान उन राज्यों में स्थित है जहां गंगा नदी यहाँ पर गुजरती है। इसके तहत छोटी छोटी दुकानों, फ्लोटिंग मोबाइल केंद्रों की स्थापना की जाएगी, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के संदर्भ से भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पहलू यह भी इसमें शामिल किया गया है, NMGC और सहकार भारती के बीच समझौता ज्ञापन इसमें किया गया है, जिनके माध्यम से गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले 5 राज्यों में 75 सहकार गंगा ग्रामों की पहचान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये है कि किसान, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, मध्य प्राकृतिक खेती को यहाँ पे बढ़ावा देना, गंगा ब्रांड के तहत प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादों के विपणन की यहाँ पे सुविधा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ पर्यटन संबंधी एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा, जिसमें जिसे नाम दिया गया है IM अवतार की शुरुआत इसमें, जिसमें पर्यटन को सुविधाजनक बनाना, स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना, गंगा के घाटों एवं NMGC के द्वारा अपनाई गई अन्य परिसंपत्तियों के स्तंभधारणता को सुनिश्चित करना। तो अर्थ गंगा के पहलुओं को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सरकार एक नई परियोजना है जिसमें कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट से इसमें चीजों करना, सिर्फ पर्यावरण को अनुकूलित करना है, खेती बढ़ावा देना है किसानों के संदर्भ से, और अन्य एस्पेक्ट यहाँ पे मार्केटिंग और बाजार को भी इसमें बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरुस्थलीकरण की रोकथाम के संदर्भ से अभी समय यहाँ पर COP 15 का सम्मेलन यहाँ पर हुआ। देखा जाए तो ये 15वां सत्र जो है कोटे डी आइवर के आबिद जान में यहाँ पर संपन्न हुआ है। देखा जाए तो COP वर्ष 2001 से द्विवार्षिक रूप से अपनी बैठक को लगातार आयोजित करता रहा है। ध्यान रखिएगा द्विवार्षिक बैठक है, वार्षिक तौर पे नहीं होती है। और इस वर्ष की जो थीम रही है इनकी, भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर, थीम ध्यान रखिएगा, सम्मेलन कम होता है, यही सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के संदर्भ से कुछ चीजों को भी आपको बता देते हैं। देखिए 1900 देखा जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में राष्ट्र स्थापित किया गया। पर्यावरण विकास के संधारणीय भूमि से प्रबंधन को जोड़ने वाले कानूनी रूप से यहाँ पर एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य है विश्व को जो विश्व की जो भूमि क्षरण और कार्बन तटस्थता की राह पर के लिए समन्वित कार्य लक्ष्यों को इसमें बढ़ावा देना, उस पर ध्यान केंद्रित करना है।
इसमें 197 सदस्य देश जो है इसके पक्षकार हैं और 196 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। देखा जाए भारत भी इसका एक पक्षकार के तौर पर इसमें शामिल है। अन्य संदर्भ से देखा जाए तो किस किस तरीके कार्य यहाँ पर किए गए हैं, ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाए गए तीन कन्वेंशनों में से एक है। भारत में इसके लिए एनएमओईएफ या एनसीसी नोडल मंत्रालय है, जो कि कह सकते हैं एनवायरमेंट जो मंत्रालय है, या देश में इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन की यहाँ पर देखरेख करता है। इसके साथ साथ यूएनसीसीडी के तहत शुरू की गई प्रमुख जो पहले हैं उसमें है भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम, इच्छुक देशों जैसे कि भारत सहित उनकी राष्ट्रीय स्वच्छ लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया का समर्थन करना। एलडीएन कोष इसे यूएनसीडी के COP13 के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है संधारणीय भूमि परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी को जुटाना और सार्वजनिक रूप से धन को यहाँ पर उसका लाभ उठाना है। इसके साथ साथ लैंड और लाइव कार्यक्रम भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण और सूखे के समन की चुनौतियों का यहाँ पे समाधान भी केंद्रित करना है। COP15 देखा जाए तो सरकार निजी क्षेत्र को सिविल सोसाइटी के नेतृत्व करता और दुनिया भर के हितधारकों को यहाँ पर एक ही मंच पे लेना है, साथ ही भविष्य में भूमि के साथ प्रबंधन में यहाँ पर गति लाना, उसमें तेजी लेकर आना है। वर्ष 2019 में अगर हम देखें तो भारत ने भी यूएनसीसीडी के COP14 की मेजबानी की थी और इस सम्मेलन में भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की पुनर्बहाली का यहाँ पर लक्ष्य रखा था और COP14 की जो थीम थी भूमि की पुनर्बहाली भविष्य की सतता। इसके साथ साथ देखा जाए COP15 के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं, जैसे कुछ इसमें नई प्रतिबद्धताएं इसमें शामिल की गई हैं कि 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर निम्नीकृत डिग्रेडेड भूमि के पुनर्स्थापन में तेजी लाई जाएगी। इसमें डेटा संग्रह निगरानी के सुधार के माध्यम से काम किया जाएगा। 2022 से 2024 के लिए सूखे पर एक अंतर सरकारी यहां पर समूह की स्थापना की जाएगी, निकाय की स्थापना करना है। रेत व धूल के तूफान अन्य बढ़ते आपदा जोखिम का भी इसमें समाधान शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ नई घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे कि आबिदजान आह्वान, इसे दीर्घकालिक पर्यावरण संधारणता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुखों ने यहां पर जारी किया है। इसमें भूमि के सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन के लिए लैंगिक समानता प्राप्त करने पर आबिदजान यहां पर घोषणा इसे लागू किया गया है। COP15 में जिसमें भूमि जीवन विरासत घोषणा यह प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक भू परिदृश्य के निष्कर्षों को यहां पर संबोधित करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें आपको कुछ अन्य पहले भी यहां पर शामिल हैं सम्मेलन, जैसे कि सूखे की संख्या रिपोर्ट 2022, इसमें कहा गया है कि 2022 में 2.3 अरब से अधिक लोग जल संकट संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। भूमि के व्यवसाय के संबंध में पहल संबंधी अगर देखें तो इसका उद्देश्य इस पहल में भाग लेने वाली कंपनियों के द्वारा भूमि निम्नीकरण तटस्थता की दिशा में की गई प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करना है। उसी तरीके से सोहेल सोर्सिंग चैलेंज, इसमें देखा जाए तो ग्रेट ग्रीन वॉल कि वो विकसित करने वाले समुदायों की प्रगति की निगरानी करना है, इसमें रोजगार को सृजित करना है, उपज का व्यवसायीकरण करना है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में से सक्षम बनाया जाना है। इसके साथ साथ एक और इसमें पॉइंट ऐड किया गया है, ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका नेतृत्व वाला एक आंदोलन है। इसका देखा जाए तो देश अफ्रीका के एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 8 किलोमीटर क्षेत्र के विश्व का प्राकृतिक जो होता है हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना है और ट्राउट लैंड या यूएनसीसीडी का नया जन जागरूकता एक अभियान है। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफी सारी पहले और प्रतिबद्धताएं इस समूह से यहाँ पर आपको जुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो 2060 नाम से यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। 2060 जो इस रिपोर्ट में यहाँ पे जो अनुमान लगाए गए हैं 2060 के संदर्भ से कि पहला कि आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्लास्टिक का उपयोग और प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर लगभग 3 गुना हो जाएगा 2060 तक। उप सहारा अफ्रीका और एशिया जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि की संभावना प्लास्टिक कचरे के रूप में। प्लास्टिक के जीवन चक्र से निम्नलिखित प्रभाव में दोगुने की अधिक वृद्धि होने का संभावना है कि प्लास्टिक के कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन डबल हो जाएगा, ओजोन का जो निर्माण हो जाएगा वो डबल होगा और अम्लीकरण और मानव जो विषाक्तता की स्थितियां हैं वो भी यहां पर आगे 2060 तक कई गुना बढ़ जाएंगी। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन देखा जाए तो सुर्खियों में इसलिए रहा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन की एक दीर्घ स्थायी कार्मिक प्रदूषणों पर समीक्षा की समिति की 18वीं जो बैठक है यहां पर हाल ही में संपन्न हुई है। इस बैठक के कुछ निष्कर्ष हैं, समिति ने विचाराधीन 5 रसायनों में से 4 की यहां पर इसमें समीक्षा की है। कौन कौन से 5 रसायन है तो डी क्लोरो
डी क्लोरिन प्लस जो कि ज्वालक मंदक के रूप में काम करते हैं, यूवी 328 जो कि स्टेबलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं, मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन जो ये भी ज्वाला मंदक है, लॉन्ग चेन परफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि पीएफसीए है, और क्लोरपाइरी फोस जो कि एक कीटनाशक है। तो यहाँ पर इनके संदर्भ में यहाँ पर इनका परीक्षण किया गया कि किस तरीके से इन पर क्या काम किया है, किस पर प्रतिबंध लगाना है, जैसे चीजों को लेकर के। तो देखिए ये हमारा आज का पहला जो लेक्चर है, पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहली जो क्लास है, पहला जो एपिसोड आप जो भी कहें से, आज हमने यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित काफी सारे कॉन्सेप्ट को, काफी सारे नए घटनाक्रमों को, काफी सारी योजना के चीजों को, नई चीज चर्चा के विषय यहाँ पर हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसे कुछ और घटनाक्रम को लेकर आएंगे। तब तक यहाँ पर इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और किस तरह की चीजें आपको रिविजन के एस्पेक्ट से वीडियो या करंट के एस्पेक्ट से आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।